नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले आदतन आरोपी को सदर बाजार पुलिस द्वारा एनएससी की कार्रवाई की गई है। आरोपी पर पूर्व में अवैध भांग संग्रहण के मामले में मामला दर्ज किया गया था। वहीं आरोपी पर पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले आदतन आरोपी मंजूर नामक आरोपी के खिलाफ अवैध संग्रहण और तस्करी के मामले में सदर बाजार पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोपी पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड के चलते अवैध मादक पदार्थ रहने के कारण आम लोगों की शांति भंग होने का खतरा था, जिसे लेकर आरोपी का माननीय न्यायालय में एनएसए से प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा एनएसए मंजूर किया। वहीं सदर बाजार पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है। दरअसल यह प्रकरण थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहाँ पर आज से कुछ समय पूर्व एक अवैध रूप से भांग के संग्रहण का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें कि मंजूर बेग जो कि भांग के व्यवसाय में संलिप्त रहता है, उसको भी आरोपित किया गया था। उक्त आरोपी के विरुद्ध उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उसके द्वारा मादक पदार्थों के क्रय विक्रय में अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता की शिकायतें थीं। साथ ही उसकी गतिविधियों से आम जनमानस को क्षति होने की संभावना और आम जो पब्लिक शांति है, आम शांति है, वो प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाने से और लोक प्रशांति को खतरा उत्पन्न होने से उसके विरुद्ध थाना सदर बाजार से एनएसए की कार्रवाई की गई है। उक्त एनएसए प्रकरण को माननीय जिलाधीश महोदय इंदौर के द्वारा अप्रूव किया जाकर उसका गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसमें कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल दाखिल कराया गया। टाइम न्यूज़ देखिए।